हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा था, X90J और X90K के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में आपको मिल रहा होगा, जाके देख लीजिएगा। आज हम एक्चुअली वो वीडियो में हमें कमेंट्स वगैरह भी आई थी, हम कुछ वो सवाल आज आपके टैकल करेंगे, राइट? और कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जो आपके टीवी यानी कि X90J हो, X90K हो, या OLED के A80K हो या A80J हो, कोई भी सीरीज सोनी का जो लेटेस्ट टीवी है उसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स जिससे आपका टीवी फास्ट रहेगा, स्मूथ रहेगा, और ब्लूमिंग का जिनको इशू आ रहा है। अब एक कमेंट आई थी, हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कमेंट किया था अबाउट ब्लूमिंग, कि ब्लूमिंग कैसी है और ब्लूमिंग को कैसे टैकल किया जाए। अब ये जो मैं आपको सेटिंग्स दिखाऊंगा X90J और X90K दोनों पे अप्लाई होंगी। सो बेसिकली ब्लूमिंग को टैकल करने के लिए बेस्ट तरीका ये है, और मोस्ट पीपल ये गलती यहाँ कर जाते हैं। अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे और हम पिक्चर सेटिंग्स में जाएंगे, ऑलराइट, पिक्चर सेटिंग्स में देखिए, मैं तो हमेशा अपनी जितने भी पिक्चर मोड है उसको स्टैंडर्ड में रखता हूँ, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स X90K हो या X90J हो, दोनों की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही शानदार है। सो देयर इज नॉट मच यू नीड टू चेंज। However, कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जिससे आप ब्लूमिंग को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो LED पैनल्स हैं ये 4K हैं और ये बैक लिट हैं, तो इनके अंदर मल्टीपल जोन्स हैं, तो आपको ब्लैक लेवल्स और बेस्ट ब्लैक लेवल्स देने के लिए ये एक्चुअली जोन्स में बटा हुआ है, तो वो लाइट्स ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली ताकि आपको बेस्ट ब्लैक लेवल्स हो। तो वहीं पे एक इशू आता है ब्लूमिंग का। सो हाउ टू टैकल ब्लूमिंग, सो बेसिकली हम क्या करेंगे कि पिक्चर मोड आप स्टैंडर्ड रखिए एंड ऑटो पिक्चर मोड को ऑफ रखिए, लाइट सेंसर को ऑफ रखिए, और जब आप ब्राइटनेस में जाते हैं, अब ब्राइटनेस में मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई प्रेफर, अगर मैं HDR कंटेंट देख रहा हूँ, अभी फिलहाल तो मैंने HDR बंद कर रखा है, तो उसमें मैं ग्रेडेशन प्रेफर्ड ही सेटिंग रखता हूँ, नंबर एक। नंबर दो, ब्लैक लेवल को छेड़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लीव इट एट 50, That is optimum. आप ब्लैक एडजस्ट में जाइए, अब इसको मीडियम ही रखिए, इसको हाई ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। एडवांस्ड कॉन्ट्रास्ट एनहांसर, उसको भी मीडियम पे रखिए। अब बात आती है यहाँ पे ऑटो लोकल डिमिंग। अच्छा, ऑटो लोकल डिमिंग को अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं तो इसमें होता क्या है कि ये आपको डीपर ब्लैक्स देने की कोशिश करता है, और क्योंकि इसमें एक ड्राइव आता है जिसको सोनी अपना ही XR ड्राइव बोलते हैं, उसमें होता क्या है कि वो ओवर कॉम्पनसेट करने के चक्कर में आपको वो ब्लूमिंग फिर और विजिबल हो जाती है, स्पेशली डार्क सीन्स में। अगर सबटाइटल्स चल रही हो तो सबटाइटल्स के इर्द गिर्द आपको ब्लूमिंग हो जाएगी, या अगर एक डार्क पिक्चर हो तो डार्क पिक्चर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द आपको हेलो इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट सेटिंग आप क्या करें, आप उसको मीडियम पे रखिए, या हाई पे तो बिल्कुल ही मत रखिए, या लो पे रखिए। लो या मीडियम विल बी ऑप्टिमम, डू दैट, उससे आपका पिक्चर भी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहेगी, और आपका जो कंटेंट ओवरले है और जो जो आपको ब्लूमिंग का इश्यू आ रहा है वो भी नहीं होगा, नेग्लिजिबल हो। पीक ल्यूमिनेंस को भी यहाँ पे भी लोग बहुत गलतियां कर जाते हैं, हाई पे डाल देते हैं। अब वो क्या होता है कि जब XR ड्राइव आता है वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है, आपको लो क्वालिटी अगर आप कंटेंट देख भी रहे हैं या 4K कंटेंट भी देख रहे हैं या HDR कंटेंट देख रहे हो, तो आपको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है, और उस कॉम्पनसेशन में वो एक्चुअली एक आर्टिफिशियल ब्लूमिंग इफेक्ट आने लग जाता है पिक्चर में। तो इसको भी आप प्लीज हाई पे मत रखिए, इसको भी आप मीडियम पे रखिए और लो पे रखिए। सो प्लीज मेक श्योर कि ऑटो लोकल डिमिंग मीडियम पे हो और पीक ल्यूमिनेंस भी मीडियम पे हो। अब हम बात करते हैं कलर की। कलर में मैं प्रेफर करता हूँ वार्म टेम्परेचर अपने पिक्चर में, क्यों? क्योंकि वो एक सिनेमैटिक आपको पिक्चर देता है। अगर आप कूल टिंट उसमें एक्चुअली इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आप चूज कर सकते हैं, तो उसमें होता क्या है कि अगर आप देखेंगे तो बहुत ही न्यूट्रल हो गया ये कूल। कूल में आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर जो बैकग्राउंड में है और ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट हो गई है, लेकिन शैडो डिटेल्स वगैरह आप मिस कर जा रहे हैं, हिट एंड मिस हो जा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं इसको वार्म पे लेकर जाऊँ, ये एक्चुअली जो शूट किया गया एक्चुअल कैमरा से, जो आपको एक्चुअल कैमरा था उससे आपको ये पिक्चर मिल रही है, जो उसके एक्चुअल कलर्स है, माउंटेन्स के क्या कलर्स हैं, नीचे जो मतलब जो लैंडस्केप है उसका क्या कलर है, वो आप जो एक्चुअल रियल में आपको दिख रहा है। तो कीप इट एट वार्म,
आप एक्सपर्ट में भी जा सकते हैं, एक्सपर्ट वन है, एक्सपर्ट टू है, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू कीप इट एट वार्म, क्योंकि वो एक न्यूट्रल ग्राउंड है, मेरे हिसाब से वो न्यूट्रल ग्राउंड है और कलर्स पॉप भी करते हैं और ज़्यादा वॉश आउट भी नहीं होते हैं। लाइव कलर को आप प्लीज़ मीडियम पे रखिए, डोंट हैव टू टेम्पर विद दिस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है वाइब्रेंसी के चक्कर में, वो अगेन जो पिक्चर है पिक्चर आपको और ब्लो आउट करेगी और आपके सामने पॉप करेगी ऑफ कोर्स, लेकिन कलर्स वो एक्यूरेट नहीं होंगे। ऑरेंज कलर जो होगा वो रेड दिखेगा, रेड कलर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा रेड दिखेगा, सो लीव इट एट मीडियम। क्लैरिटी की बात कर लेते हैं, अब क्लैरिटी में प्लीज़ लीव एवरीथिंग एज इज, इसमें ज़्यादा चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं, जैसे है आउट ऑफ द बॉक्स उसको वैसे ही छोड़िएगा। एंड मोशन, अब बात आती है मोशन की, मोशन में व्हाट आई प्रेफर इज टू लीव इट एट कस्टम। होता क्या है कि अगर हम मूवीज देख रहे हैं जैसे मिशन इम्पॉसिबल हो गया या फास्ट पेस मूवीज जो होती हैं, उसमें ना एक सोप ऑपरा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जैसे हम लोग वो ऐसे लगने लग जाता है जैसे हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, हम लोग एक्चुअली एक सीरियल देख रहे हैं। सो अगेन Leave it at custom, let the TV decide कि वो आपको उस content को आपको कैसे दिखाना चाह रहा है, and you will not be disappointed, right? दूसरी चीज़ आपने इसको custom पे छोड़ा है, film mode को आप low पे ही रखिए, डेफिनेटली लो पे रखिए, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो थी कुछ ऐसी सेटिंग्स जो आप रख सकते हैं, और आपकी ब्लूमिंग वगैरह का इशू जो आपको आ रहा है सबटाइटल्स में, या जो बहुत ही डार्क पिक्चर्स हैं या डार्क मोमेंट्स हैं इन अ वीडियो, उसमें जो ब्लूमिंग इफेक्ट आ रहा है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, वो आपको दिखेगा ही नहीं। अब बात करते हैं एक चीज़, मैं आपको बोनस टिप के तौर पर दूंगा, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि टीवी स्मार्ट हो गए हैं। अब मैं एक्चुअली जो सोनी का या कोई भी टीवी मैन्युफैक्चरर का जो स्मार्ट इंटरफेस है मैं उसको यूज़ नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक प्रोसेसर आता है और वो प्रोसेसर बहुत कुछ कर रहा होता है एक साथ। नंबर एक, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि इन द एंड ऑफ द डे आप प्रोसेसर एक ही चीज़ नहीं कर रहा, मल्टीपल टास्क कर रहा है, वो आपका पिक्चर क्वालिटी को ही नहीं मैनेज कर रहा है, आपके इंटरनेट टास्क को भी मैनेज कर रहा है, आपके जो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है उसको भी मैनेज कर, तो आप पाएंगे कि आपके जो आप रिमोट से अगर कोई कमांड दे रहे हैं टीवी को, तो इन द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है कि टीवी स्लो होते जा रहा है बेसिकली, राइट? और वो स्लो लोड होगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा टीवी कितना फास्ट मतलब एक्टिवेट हुआ है। अब इसको कैसे अचीव किया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं चाहते, जो बैकग्राउंड में टास्क जो रन हो रहे हैं वो ना हो और आपका जो टीवी है ना वो स्मूथ कनेक्टिविटी पे काम करे। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और ये मेन सेटिंग्स में आप चले गए, तो यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रोल करेंगे, ऑल यू हैव टू डू इज वेयर द सिस्टम इज, यू नीड टू हिट योर बटन 7 times, जो आपका जो बटन है इसको जो मिडिल वाला है उसको 7 times हिट कीजिएगा, तो यू विल एंड अप गोइंग इनटू डेवलपर मोड, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिलीवर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो डेवलपर ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब डेवलपर ऑप्शंस में आप एक्चुअली एनेबल कर सकते हैं कुछ ऐसे फीचर्स जिससे आपका जो प्रोसेसर है वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली उतना ही टास्क कर रहा है जितना उसको जरूरी है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बर्न थ्रू एग्जूबरेंटली, ओके? सो बेसिकली उसमें जैसे मैंने ADB डिबगिंग ऑफ कर रखा है, पिक्चर कलर मोड को ऑफ कर रखा है, मल्टीपल जो ऐसे जो एड्स हैं उन सबको बंद कर रखा है, मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव वो मैंने ऑन करके रखा हुआ है, आप उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, व्हाटएवर, दैट्स अप टू यू रियली। अगर आप चाहते हैं लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एंड आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन ईच फीचर, उस फीचर से क्या क्या होता है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आई नो दैट हम स्मार्ट टीवी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि स्मार्ट टीवी लेने से हमारे दूसरे टास्क भी कवर हो जाएंगे, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि टीवीज में भी प्रोसेसर्स आते हैं और जितने प्रोसेसर्स ओवर टाइम में काम करेंगे उतने उनको मल्टीपल टास्क करना होता है, पिक्चर मैनेज करनी होती है, आपके इनपुट्स को मैनेज करना होता है और आपके जो एड्स वगैरह है उसको भी मैनेज करना होता है और एप्लीकेशन के डेटा को भी मैनेज करना होता है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मेरे पास अमेजोन फायर स्टिक टीवी भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है और एप्पल टीवी मैंने रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर जाके आप खरीदिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इफ़ यू आर इनटू ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम वगैरह हो गया, तो यार अमेजोन फायर स्टिक टीवी ले लीजिएगा, वो सस्ता भी आता है, बट एटलीस्ट आपके टीवी को ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब ओवर टाइम काम का मतलब यह है कि प्रोसेसर को बहुत ज्यादा तेजी से नहीं काम करना पड़ेगा, राइट? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट एक वीडियो हम फ्यूचर में बनाएंगे, उस वीडियो में हम आपको समझाएंगे अगर आपके पास PS5 कॉन्सोल है या एक्सबॉक्स
सीरीज एक्स या एस है, तो हम आपको समझाएंगे कि कौन सी पिक्चर सेटिंग्स आपको करनी चाहिए अपने X90J, X90K, आपने A80J और A80K के साथ, जो कि आप यूज कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट टू बेस्ट HDR परफॉर्मेंस आपके PS5 या Xbox सीरीज X के साथ देगी। इफ यू हैव एनी अदर फर्दर क्वेश्चन प्लीज कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि कॉमेंट आए थे तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया है। सो प्लीज थैंक यू वेरी मच। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है राहुल, उन्होंने 12 दिन पहले हमें ये कॉमेंट में पूछा था कि ब्लूमिंग को कंट्रोल कैसे करें X90K में। सो ये आज का वीडियो आपके लिए है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉमेंट। और अगर आपको और भी कुछ जानना है X90K के बारे में, X90J के बारे में, या A80K के बारे में, A80J के बारे में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एंड हम उस पर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना के आपको देंगे। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट और वो घंटा भी दबा दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।